पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भगवान श्री राम को मांसाहारी बताने वाले विधायक जितेंद्र आह्वाड़ के बयान से भाजपा व शिवसेना के साथ अब किन्नर समाज में भी नाराजगी व्यक्त है। शुक्रवार को अखंड हिंदू सेना के अध्यक्ष दीपक जगन्नाथ करांडे और किन्नर अस्मिता संघ सभी किन्नर समुदाय के सदस्यों की ओर से उल्लासनगर फाइव हिल लाइन पुलिस स्टेशन में पुलिस निरीक्षक खेरडे को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एनसीपी विधायक जितेंद्र आह्वाड़ ने शिरडी में एक रैली में भगवान राम के बारे में झूठी टिप्पणी की और समाज में दरार पैदा करने की कोशिश की, इसलिए उन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। नमस्कार, हम किन्नर अस्मिता संस्था से हैं और जैसा कि अभी परसों के दिन शिरडी में जो माननीय आमदार हैं जितेंद्र आह्वाड़ जी राष्ट्रवादी के, उन्होंने एक भाषण दिया और उसमें एक बात बोली कि जो प्रभु श्री राम जी है वो मांसाहारी थे, इसलिए हम मटन खाते हैं या मांसाहार है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो एक हिंदू होने के नाते हमारी जो भावना है खूब बुरा लगा है, हमें बहुत बुरा लगा है। और दूसरी बात ऐसा है कि शुरू से जैसे रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि जो किन्नर है उनको भगवान राम का वरदान है, इसलिए लोग हमको आज पूछते हैं, लोग हमको मानते हैं, वो हमें बधाइयाँ देते हैं, सब देते हैं। अगर ऐसे तरह के भाषण होते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिल को दुखता है कि आप अपने जो राजनीति कर रहे हैं आप अपने राजनीति करिए, जहाँ हम अपने महापुरुषों को या हमारे जो भगवान है जो हमारे आदर है जो भी अगर महापुरुष भी हैं हमारे, तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए, उनके कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। और जैसे कि भारत देश बहुत बड़ा है और इसमें सब सारी नदियाँ जो आती हैं सागर से मिलती है, वैसे हम जितने भी सारे धर्म हैं हम सब इस भारत में देखने मिलता है कि सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तो हमको एक हिलमिल के एक सागर के जैसा रहना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि वो आए देश वार्ता ले और सारे जितने भी भावना दुखी हुई है वो मानते हैं। अध्यक्ष अखंड हिंदू सेना दीपक जगन्नाथ करांडे, मी दोरलीमधून आलेलो आहे। आज आपण जे बघितलं जितेंद्र आव्हाड यांनी जे भाष्य केलेलं आपल्या रामाबद्दल, प्रभू श्री रामाबद्दल, ते अतिशय निंदनीय आहे। आणि आज माझ्यासोबत हिंदूमध्ये माणसं बायकाने आले आणि माझं आता माझ्या किल्ल्यासमोर उभा आहे, मला गर्व आहे की माझ्या एका कॉलवर आता किल्ल्यासमोर उभं आलेलं आहे। बाकीचे आपले हिंदू फक्त नावं नाही, मोबाईलवर आहे, फक्त मोबाईलवर काय मॅच झाला अरे हे चुकीचं केलं, हे तुझी चुकीचं केलं, हिंदूनं जागवा, आज जागवा आणि हिंदूसाठी लढा, आवाज उचला, जय महाराष्ट्र। और ये कहना चाहते हैं जैसे कि आज पहले हम किन्नर लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया इस बात से, और ऐसे भी और कितने सारे ये भारत में हम जो हुआ है उन सबको भी आज हम किन्नर होकर हम लोग ने आवाज़ उठाया। और जो बाकी के आदमी और औरत है वो भी थे उस समय में श्रीराम वनवास से जा रहे थे, हाँ, तो आज भी आज हम सब मिलकर आवाज़ ही उठाना चाहिए।